तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 140 के गुणनफल होते हैं हमारे 2, 1, 2, 7, 14, 0, 2, 3, 6, 2, 5, 10 और 5, 7, 35, 7, 1, 7। तो हमारा अगला पार्ट है 156। तो हमें सबसे पहले तो छोटा अंक लेना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा हमारा 2, तो हम 2 से करते हैं। तो 2, 7, 14, 2, 8, 16। अभी भी 2 ही से करके देखते हैं, 2, 3, 6, 2, 9, 18। अब 3 से होता है 3, 3, 39। अब 13 से ही होगा। तो हमारे इसके फैक्टर आ चुके हैं, इसके गुणनफल आ चुके हैं। और अब है हमारा 3825। तो पहले मैंने जैसे बताया था, सबसे पहले 2 से, फिर 3 से। 2 से तो हमारा ये नहीं होगा, क्योंकि इससे, इसलिए हम इसे 3 से कर कर देखते हैं। 3 × 3, 3 × 6, 3 × 7, 21, 3 × 5, 15। तो अब भी देखते हैं 3 से होता है क्या। 3 × 12, 3 × 6, 3 × 5, 15। अब 3 से देखते हैं, 3 से तो नहीं होगा ये। अब इसे 5 से देखते हैं, 5, 8, 40, 5, 5, 25। अब आ गया हमारा 17। ठीक है, तो हमारे ये फैक्टर आ चुके हैं इसके। अब हमारा फोर्थ पार्ट है, हमारा फोर्थ पार्ट है 5005। तो हम पहले 5 से करते हैं, सॉरी ये 1। अब 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं होगा। 7 से कर देखते हैं, ये हो गया हमारा 7 × 1, 7, 3, 7 × 28, 7 × 21। ठीक है, 7 से हो गया हमारा। अब देखते हैं, अभी 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से कर देखते हैं, 11 × 11, 11 × 33, हाँ 13 से हो गया ये। ठीक है, तो हमारा अब है फिफ्थ पार्ट 7429। तो इसे देखते हैं हम, ये कितने से होता है। ये होगा 15 से तो नहीं, ऊपर ही होगा 17 से देखते हैं। तो हमारा होगा 17 × 68 और 6 बच गए, 17 × 51 और 17 × 7, 119। अब 18 से भी नहीं होगा। अब करते हैं 19 से, तो हमारा होगा अब 19 × 2, 38 और 19 × 57, तो 23। तो आई होप कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करो। तो हमें इसमें HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो हम करते हैं HCF और LCM इनके ज्ञात। तो पहले हम ले लेते हैं 26 के गुणनखंड निकाल कर फिर 91 के निकालेंगे, तो हमें और आसानी से छोटा तरीका हो जाएगा हमारा। तो अब निकालते हैं हम 91 के,
तेरह सत इक्यानवे, सत तेरह इक्यानवे और तेरह एकम तेरह, ठीक है। और अब हम इनके देखते हैं एच सी एफ और एल सी एम, इक्यानवे के हमारे फैक्टर हैं सात और तेरह, और दो गुणा में तेरह, ये हमारे छब्बीस के हैं, तो तेरह तेरह हो गया हमारा। जिनके भी जोड़े बन जाते हैं वह हमारा एच सी एफ हो जाता है, और जिनके जोड़े नहीं बनते वह हमारा एल सी एम हो जाता है, और जिनके जोड़े बने थे उनमें से एक अंक हमें ले लेना है। तो हमारा एच सी एफ आ चुका है तेरह, और हमारा एल सी एम इनकी गुणा करने पर आ जाएगा सात दुनी चौदह, चौदह और तेरह की मल्टीप्लाई करते हैं, चौदह गुणा में तेरह, और तेरह चौका बावन, दो और तेरह कम तेरह, तेरह पाँच अठारह, एक सौ बयासी। तो हमारा एल सी एम आ चुका है एक सौ बयासी, और एच सी एफ हमारा तेरह। तो हमारा अगला पार्ट है, हमारा दूसरा पार्ट है पाँच सौ दस और बानवे, पाँच सौ दस और बानवे, बानवे। तो ठीक है, हम इसी प्रकार से निकाल लेते हैं, पहले पाँच सौ दस का निकालेंगे, पाँच सौ दस सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा। सबसे पहले हमें दो लेते हैं, दो दूनी चार, दो पंजे दस, दो पंजे दस। आप तीन से कर देखते हैं, तीन अठे चौबीस, तीन पंजे पंद्रह। अब तो ये फाइव से ही होगा, पाँच एकम पाँच, पाँच पाँच सत्ते पैंतीस, सत्रह। तो हमारे ये पाँच सौ दस के फैक्टर हो गए हैं। अब है हमारे बानवे के फैक्टर, सबसे पहले दो, दो चौके आठ, छियालीस, दो दूनी चार, दो तिया छः, तेईस। तो हमारे बानवे के आ गए हैं तीन दो तेईस, ये सॉरी दो दो तेईस। तो अब लिखते हैं इनके फैक्टर, बानवे के फैक्टर हमारे दो दो तेईस, और हमारे पाँच सौ दस के हैं दो तीन पाँच सत्रह। तो हमारा दो का जोड़ा बन जाता है, तो हमारा एच सी एफ हो गया दो, दो आ गया। और जो ये बाकी बच गए हैं वो हमारा है एल सी एम, इन सभी की गुणा कर लेते हैं। और जो हमारा दो का दो ये है जोड़ा बना है, इनमें से भी एक ले लेते हैं, तो इनकी गुणा करते हैं, तो हमारा हो जाता है दो दूनी चार, तेईस चौका बानवे। तो बानवे और सत्रह और पंद्रह, बानवे गुणा में दो सौ पच्चीस, हमने ऊपर इसकी मल्टीप्लाई करके देखी है, ठीक है। और अब आ गया हमारा पाँच दूनी दस और छः, छः और पैंतालीस और एक छः और चार, असल चार और सॉरी यहाँ पर तीन आएगा, वहाँ पर तेईस चार सौ साठ होगा, ठीक है। और अब करते हैं हमारा थर्ड पार्ट तीन सौ छत्तीस। तो हमारे तीन सौ छत्तीस के फैक्टर हैं दो दो दो, दो तीन और सात, हमारे तीन सौ छत्तीस के फैक्टर हो गए हैं। अब हम निकालते हैं चम्मन के, दो दूनी चार, दो सत चौदह, तीन निम सताईस, तीन तिया नौ, तीन एकम तीन। तो लिख लेते हैं हम तीन सौ छत्तीस के दो गुणा में, दो गुणा में दो, एक दो तीन चार बार है दो, दो गुणा में दो गुणा में दो गुणा में तीन गुणा में सात। और अब हमारे चम्मन के दो गुणा में तीन गुणा में तीन गुणा में तीन,
ठीक है, हमारा एक तो दो का फैक्टर ये जोड़ा बन रहा और तीन का, तो हमारे दो गुणा में तीन छः, तो हमारा छः हो गया छः। अब बाकी सभी को लिख लेते हैं, दो 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 तीन 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 और सात, इनकी गुणा कर कर कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होती है। करते हैं तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो हमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट दिया हुआ है, तो हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो पहले क्वेश्चन जैसे हमने पहली वीडियो में करवाए थे उसी प्रकार आएंगे, पहले हम ले लेते हैं 12 का और फिर 15 का और फिर 21 का। अब लेते हैं हम 12 का, ये एनसीईआरटी का मैथ है इसलिए मैं एचबीएससी वालों के लिए हिंदी में बोलता हूँ। 12 दो छीके 12, दो तीये 6, तीन एकम 3, ये हमारे हो गए 12 के फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंड। 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब निकालते हैं 21 मतलब 21 का, 3 सात 21, 7 एकम 7, ठीक है। और अब इनके लिख लेते हैं पहले 12 के फिर 15 के फिर 21 के फैक्टर लिख लेते हैं, हमें इनके एच सी एफ और एल सी एम ज्ञात करने हैं। जिसका जोड़ा बनता हो वह हो जाता है हमारा एच सी एफ, और जो बच जाते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर कर उनकी गुणा कर कर वह हो जाता है हमारा एल सी एम। तो इनके जोड़े बन चुके हैं, 3 का जोड़ा बना तो हमारा एच सी एफ हो गया 3 और एल सी एम हो गया हमारा, जितने भी अंक बचे हैं सभी की मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो हमारा एच सी एफ आया है उसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 7 420। तो आई होप कि फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो हमारा सेकंड पार्ट है 17, 23 और 29, ठीक है। तो 17 के हमारे कोई फैक्टर होते ही नहीं, तो इसलिए एक होता है 17 एकम 17। 23 के भी हमारे कोई फैक्टर नहीं होते, ना ही 29 के, ठीक है। और अब इन्हें लिखते हैं, एच सी एफ आ गया हमारा एक, क्योंकि सभी का एक मिलता है, और एल सी एम है हमारा 23, 21। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई आपको करके कमेंट बॉक्स में लिख देनी है, ठीक है। करते हैं थर्ड पार्ट, और मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन में या आपको कमेंट बॉक्स में आपका मैसेज आता है तो मैं रिप्लाई कर दूंगा इसका सही आंसर क्या है, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इसका आंसर। अब हम करते हैं 9 के फैक्टर, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 25 के ये 1 आ गया हमारा, अब 25 के फैक्टर 2, 2, 2 और 3 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 5, इनमें से भी किसी के जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो इसलिए हमारा एच सी एफ में भी एक ही हो गया, ठीक है। 8 की और 9 की और 25 की गुणा करते हैं, 8 नीम ये 225 की और 8 की मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 40, 0 4 8 2 16 20 और 18,
ये आ गया हमारा 1800, 1800, ठीक है। तो हमारा एच ई एफ है, अब इनके पीछे जो भी एक है वह ही सभी के जोड़े बनाता है, वह हमारा एक है, एलसीएम हो गया 1800। तो आई होप कि सेकंड पार्ट भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो हमारा है अब थर्ड पार्ट, ये सॉरी थर्ड पार्ट तो हमारा हो चुका है, अब है हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एच सी एफ 306 और 657 का दिया 9 दिया गया है और एलसीएम हमें इनका निकालना है, तो निकाल देंगे। तो हमारा एच सी एफ इन्होंने दिया हुआ है 9 और हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम आपको पता ही होगा, लघुतम समापवर्तक, और हमारा ठीक है 306 और 657 का। दो एकम दो, दो पाँच दस, दो अठे ये सॉरी दो अठे सोलह नहीं, दो तीय छः, ठीक है। और ये कोई बीच में माइनस का निशान नहीं, ये केवल डैश का निशान है, या आप यहाँ पर कोमा भी लगा सकते हो, ठीक है। 51 और 21 ये 219, 3 एकम 3, 321, 321, 339 और 17, 17 किसी की टेबल में नहीं आता है, और 73 भी किसी की टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो अब इनकी जो भी मल्टीप्लाई आएगी वह ही हमारी एलसीएम होगा, मतलब लघुतम समापवर्तक का आंसर होगा 17 और 73। तो इनकी मल्टीप्लाई होती है हमारी 2 3 6 3 18 और 17 की गुणा और 73, हमारी 18 और 17 की गुणा होती है 306 मल्टीप्लाई 73, ठीक है। और अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 6 18, ठीक है, और 2 2 3 3 आएगा यहाँ पर, मतलब 22,338 आंसर। तो आई होप कि फोर्थ क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो हमारा है आगे सिक्स्थ क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये 5th क्वेश्चन आपको मैथ के उदाहरणों में से ही करना है, ठीक है। हमारा 6th क्वेश्चन है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 42 मल्टीप्लाई 20 प्लस 6 ये मल्टीप्लाई 6 प्लस 5, तो 77 की और 13 की मल्टीप्लाई करनी है हमें, 7 या 21 1 2 और 7 या 21 23 मल्टीप्लाई, और 77 7 10 और 1001 1001 प्लस में 13, और अब 42 और 20 की मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 और 4 8 4 840 प्लस ये मल्टीप्लाई 6 और 0 6 24 8 50 5040, 5040 प्लस 5 ये हो गया हमारा 1014 और 5045। आप इस क्वेश्चन को यहीं तक भी छोड़ सकते हैं,
अभी भी आपका कोई गलती नहीं है। तो हमारा अगला 7th क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसकी ये जो इक्वेशन है यह बहुत बड़ी थी, इसलिए मैंने इसे लिखा नहीं। ठीक है, तो हमें ये वृत्ताकार पथ दिया हुआ है, ये है हमारा पथ। ठीक है, जिसके चारों तरफ सोनिया और रवि चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा पथ है। तो हम लिखते हैं अब मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया का कुल समय है 18 मिनट। ठीक है, और मैदान का चक्कर लगाने में अब है रवि का कुल समय है 12 मिनट। ठीक है, तो वह है प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। ठीक है, उसी जगह पर वापिस मिलेंगे। ठीक है, अब निकालते हैं इसे। इसमें ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपली इसमें एलसीएम लेना। ठीक है, 2 3 6 3 3 9 1 3 1 3, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं फैक्टरों की। 2 2 4 3 12 3 36, तो 36 मिनट। तो आई होप कि 7th क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और हमारी प्रश्नावली पूरी हो चुकी।